जैन से भी साथियों को इस बार जो 60,244 में फाइनल सिलेक्शन लेगा, मुझे लग रहा है उस बार उसकी होली जो है वर्दी में होने वाली है। खाकी रंग में आपके कलर चढ़ने वाला है होली के रंग का, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि भर्ती बोर्ड इतना तेज़ी से भर्ती प्रक्रिया को कराना चाह रहा है कि आपके समझ लें इस बार समझ लें एक प्रकार से विश्व रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड बनने वाला 2024 में कि 60,244 का सोचिए एक साथ ट्रेनिंग आज तक मुश्किल रहा, क्योंकि अन्य भर्तियों में दो दो सीटों में जहाँ ट्रेनिंग हो रही थी ये सब प्रोसेस हो रहा था। इस बार जो अदर स्टेट का भी सहारा लिया जाएगा जिसे पहले भी भर्तियों में लिया गया, तो अदर स्टेट में इनको मौका मिले तो ट्रेनिंग की बात अलग करने वाले। सबसे पहला आपका सवाल है कि इस बार जो है फिजिकल कब तक होगा, क्योंकि जो पेपर की कटिंग आई थी उसके जरिए आप जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे कि फिजिकल के लिए कब आ सकता है। देखो उसमें बताया गया था कि सितंबर के लास्ट वीक में आपकी कट ऑफ जारी हो जाए, तो भाई देखो पेपर की हर बात पे विश्वास नहीं करते, कुछ अपना सेंस लगाइए, कुछ कॉमन अपना थोड़ा सा माइंड भी यूज़ कीजिएगा। मान रहा हूँ कि भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर 40 दिन में आपका पेपर करवा सकता है, ये करवा सकता है, लेकिन एक मेरी बात मानिए 19 सितंबर तक आपकी आपत्ति ली गई है, उस चीज़ पे बोर्ड मेंबर डिस्कस करेगा कि कौन से क्वेश्चन पे गलत हैं कौन से उस पे गलत हैं, तो उस पे पूरा फाइनल आंसर किस संशोधित बनाएगा, उसके बाद ही तो आपकी OMR चेक होने का प्रोसेस होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि OMR चेक होना शुरू हो गई, तो OMR भाई कहाँ से चेक होना, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि OMR चेक होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर तो आपके जो गलत वाले डाउट वाले प्रश्न हैं तो बोर्ड जो अपनी आंसर की जारी किया उस हिसाब से अगर आपके 200 नंबर बन रहे हैं जो उसमें अभी आपके 190 नंबर बन रहे हैं तो फिर आपके वही रहने वाले हैं, तो बोर्ड फिर क्या करेगा बैठ के। इसलिए कहता हूँ थोड़ा दिमाग का कम यूज़ किया करो, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ किया करो। तो अभी आपके फाइनल आंसर की जब तक नहीं बन जाएगी पूरी संशोधित आंसर की, उसको बनने में करीब एक हफ्ता लगेगा, उसके बाद ही आपको OMR चेक होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो OMR अभी आपके स्ट्रांग रूम में ही रखे, मेरे साथ में जो ड्यूटी कर रहे हैं साथ के लड़के वही बता रहे, तो जब आपकी संशोधित आंसर की बन जाएगी उसके बाद आपका OMR चेक होने का प्रोसेस होगा, तो OMR चेक होगी लगभग एक हफ्ते में लग जाएगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत तेज़ है, तो कंपनियाँ बहुत सारी लगी हैं, तो 4 दिन मतलब एक प्रकाश मान के चलिए एक हफ्ते में आपका OMR चेक होने का प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें देखा जाएगा कि टॉपर्स कौन है, किस शिफ्ट का एवरेज कम है, किसका ज़्यादा है, उस हिसाब से वो निकलेगा, ठीक है उसका एवरेज। उसके बाद उस पर फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर उसके लिए कट ऑफ बनेगी, तो ऐसे हवा में थोड़ी कट ऑफ आपकी जारी कर देगा सितंबर के लास्ट वीक में, तो कुछ भी हो 15 अक्टूबर के पहले आपके कुछ भी कट ऑफ जारी होने वाले हैं, इस भ्रम में ना रहें। बाकी रनिंग की जहाँ तक उम्मीद है तो नवंबर के पहले आपकी रनिंग ना के बराबर चांसेस हैं, बाकी आप तो जिसको विश्वास से करिए, बाकी मैंने बता दिया नवंबर के पहले कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है जितना मुझे पता है उतना आपको भी पता होगा, ठीक है तो नवंबर के पहले कुछ नहीं होगा, इसलिए दौड़ की तैयारी शुरू कर दे, इस भ्रम में ना रहें कि जब मैं मेरा रिजल्ट में नाम आएगा तभी मैं दौड़ की तैयारी हुआ, इस भ्रम में मत पैदा रहें कि रनिंग जो है जब रिजल्ट में आएगा तब करेंगे, क्योंकि रनिंग के लिए कम से कम लड़कों को 1 से 1.5 महीने चाहिए, लड़कियों को 2 महीने का समय चाहिए, और ना विश्वास हो तो 41,520 भर्ती एक बार उठा के 2018 की देख लीजिएगा कितना तेज़ी से प्रोसेस हुआ था रनिंग में, वही इस बार भी होगा, कट ऑफ फिर और डाउन होते चले गए जब दूसरी तीसरी मेडल लिस्ट लगेगी, ठीक है। तो सबसे अब बात करते हैं आपके ट्रेनिंग की। देखो प्रशिक्षण क्षमता इस बार जो है पहले जो नोटिस आया था जुलाई में उस हिसाब से आपकी क्षमता थी 29,066 क्षमता थी PSC और पुलिस लाइन में, ठीक है, तो उसमें था कि क्षमता उनको बढ़ानी थी, जो सामान की आपूर्ति थी उनको करना था, और अभी तैयारी था कि प्रशिक्षण जैसे PTC वगैरह में प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है तो इनकी क्षमता को 2 गुना करना है, तो इस बार समझ लीजिए एक रिकॉर्ड बनने वाला 60,240 की ट्रेनिंग एक साथ, क्योंकि इसमें क्या रहता था कि जब 2 बैच में ट्रेनिंग होती थी तो आपका ही नुकसान होता था, क्योंकि पहले बैच में जो जाएगा पहला प्रमोशन होता है, उसका इंक्रीमेंट पहले लगेगा, आप उससे जूनियर हमेशा रहेंगे, प्रमोशन भी आपका बाद में होता था, जैसे कि पहले भर्तियों में हुआ था, एक जो 2013 की भर्ती में हुआ था उस पर क्या हुआ था कि 40,000 लगभग भर्ती थी, तो उसमें से कुछ UP में हुई थी, कुछ अदर स्टेट्स में हुई थी, कुछ आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में, तो अदर स्टेट्स में आपकी भी इस बार ट्रेनिंग होगी, तो उसमें पेपर में साफ साफ लिखा है, तो इस बार क्योंकि इतना एक साथ कराना मुश्किल है तो अदर स्टेट का सहारा लिया जाएगा, SSC SSB और पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और फिर उसके बाद जैसे मेरिट वाली भर्ती है तो उसमें भी आपके अदर स्टेट में PSC की ट्रेनिंग हुई थी और सिविल पुलिस की, फिर 19 में भी 41,520 उसमें 2 बैच में ट्रेनिंग हुई, सिविल पुलिस की 1 साल बैच में PSC के अलग, तो सिविल पुलिस वालों की ट्रेनिंग जो है कुछ की अदर स्टेट में भी हुई थी, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश में हुई थी, उसके बाद 49,568 भर्ती वो तो UP में ही हुई थी 3 बैच में, ठीक है इस हिसाब से आपकी हुई थी, तो इस बार मान के चलिए अदर स्टेट में आपकी पैरामिलिट्री में कुछ लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है, तो अपने कंधे मजबूत कर लीजिए, क्योंकि पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, UP पुलिस के ट्रेनिंग में यहाँ जो प्रशिक्षण होता है यहाँ ईजी होता है और वहाँ इतना हार्ड होती है आप पूछ लीजिएगा, जैसे आपके SSB CRPF की ट्रेनिंग होती है उसी तरह आपको वहाँ दिया जाता है, सोने को नहीं दिया जाता, बहुत कुछ होता है, वहाँ की ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती है, इस चीज़ को मानिएगा, और यहाँ की ट्रेनिंग काफ़ी ईजी होती है देखा जाए।
अब ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दिया, तो प्रशिक्षण की क्षमता आपकी बहुत तेज़ी से हो रही है। और बाकी जिनका नंबर कम है वो अपना नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करें, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आप लग जाइए, इसमें आप माथा बच्चे न करें। NTPC हो गया, ग्रुप डी, SSC D में जिनकी एज है वो SSC D की तैयारी करें। SSC D के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बुक की सजेस्ट, मैं कुछ बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप इन बुक को परचेज करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो, क्योंकि सिलेक्शन लेने में आपका प्रीवियस ईयर की किताबों का सबसे बड़ा रोल होता है। SSC D के लिए बेस्ट बुक की बात करें, जो कि आपके जच्चू प्रकाशन की है, जैसे इनकी हिंदी की बुक है, इसमें आपको 600+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर आपका 24, 23, 21 और 19 का मिल जाएगा पूरा कलेक्शन। उसके बाद सामान्य ज्ञान की 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरा प्रीवियस ईयर का आपको कलेक्शन इसमें मिल जाएगा। उसके बाद इनकी मैथ की बुक आती है, मैथ में भी आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर पूरा जो दिया गया, पूरा डेटा आपको इसमें दिया गया प्रीवियस ईयर का कलेक्शन चैप्टर वाइज। रीजनिंग में भी आपको प्रीवियस ईयर का पूरा कलेक्शन दिया गया है, जितना भी आपके 19, 21, 21 में पूरा आपका प्रीवियस ईयर का कलेक्शन। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो तो इन किताबों को परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये किताबें आपके सिलेक्शन में कारगर हो सकती हैं। तो इन किताबों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और अपने नज़दीकी स्टोर में भी जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो भाई देखो, फिजिकल के कट ऑफ के चक्कर में पड़े मैंने बता दिया, उससे थोड़ा बहुत आप कम भी मान के अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर आपका अचानक रनिंग हुआ तो बहुत से लोग फेल होने वाले हैं, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दें, क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, लोगों के सबके आंकड़े गलत हुए हैं, इसलिए कहता हूँ कि रनिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दो। अगर आप रनिंग आप नहीं करेंगे तो फिर आप ज़िंदगी भर पछताएंगे। नाम आने के बाद क्या होगा, बहुत से लोग का जब नाम आ जाता है ना, फिर उतना जल्दी आपकी रनिंग नहीं हो, एक अलग अंदर प्रेशर हो जाता है कि रनिंग मुझे करना है, किसे तब एक दबाव होता है। जब आप तुरंत करते हैं तो आपको पैरों में दर्द रहता है, और जैसे ही अभी से आप दर्द दौड़ना शुरू करेंगे तो जो आपके पैरों का दर्द है तब तक आपका गायब हो जाएगा। अगर आपकी रनिंग तैयार भी नहीं है तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, 28 मिनट में रनिंग करते थे, 25 मिनट में वहाँ क्रॉस कर दी। तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जो आपकी सांस फूलने की क्षमता है, पैरों के दर्द हो रहे, ये सब आपका गायब हो जाए। भले ही आपका ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, 28 मिनट लग रहा हो, निकालने वाले निकालें, एक से एक मोटे लोग निकालें, 80 से 90 किलो वाले भी लोग रनिंग को निकालें, इस भ्रम में ना रहने का मेरा वेट ज़्यादा है तो मैं रनिंग नहीं। तो देखो, रनिंग वेट के ऊपर निर्भर नहीं करता, और आपका वेट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, बस आप रनिंग निकाल दीजिए। यूपी पुलिस में कोई लिमिट नहीं, लड़कों के लिए मिनिमम वेट आपका 40 kg होनी चाहिए, लड़कों के लिए ना कोई लिमिट है, ना कम ना ज़्यादा। तो भाई रनिंग की तैयारी शुरू कर दो सभी भाई बहन, नहीं तो फिर आप पछताएंगे, क्योंकि रनिंग इतना ईजी नहीं होता। और रनिंग कोशिश करिए, अगर आप मिट्टी के राउंड में करते हैं तो आपके पैर वगैरह दर्द कम होता है, और डाइट अच्छी ले, नमक पानी से पैर धो ले, सांस फूलने की क्षमता का मतलब आप पानी कम ले रहे हैं, पानी को अच्छा लीजिए, पानी के सेवन अच्छा करेंगे तो आप ये जो सांस वगैरह फूलने की समस्याएं उनका समाधान हो जाएगा। बाकी ठीक है, अगर वो कुछ भी डाउट रहता है, और कोशिश करें कि जूते पहन के ही रनिंग करिएगा, बिना जूते के मत रनिंग करिए, क्योंकि आपके सर्दियों में रनिंग होंगे तो सर्दियों में पैर में छाले पड़ जाते हैं, ठंड हो जाते, पैर सुन्न हो जाते, इससे आपको दिक्कत होती है। तो कोशिश करिएगा दौड़ की तैयारी जो है आपको शूज़ में ही करना है, ठीक है। मान रहा हूँ कि नंगे पैर में आपको 1 मिनट का डिफरेंस रहता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आपको जूते से ही रनिंग की तैयारी करें। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब